ये पैर जो है एकदम मेरा कमर से थोड़ा ही आगे है, तो रियर ब्रेक सिर्फ दबा रहे हैं। इसका जो हाई बीम है ये आप देख सकते हो, इसका हाई बीम ऑन है। बाइक चलाते हुए आपको फील होगा कि इसमें पावर है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं सोरिक मोटर वर्ल्ड। फाइनली आज मेरे को मिल चुका है न्यू पल्सर N160 और आज मैं इसका एक डिटेल्ड राइड रिव्यू करने वाला हूँ। इस बाइक का डिटेल वॉकआउट आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, प्राइस वगैरह क्या है तब भी इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक बार बता दूंगा। पहले एक छोटा वॉकआउट कर लूंगा कि क्या फीचर्स वगैरह मिलता है, एकदम छोटा एक दो मिनट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका राइड रिव्यू वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले तो डेफिनेटली आप रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ। सिंगल चैनल ABS वेरिएंट का प्राइस है 153,348 रुपीज़ ऑन रोड कोलकाता, और जो ड्यूल चैनल ABS वेरिएंट है उसका प्राइस है 156,711 रुपीज़ अप्रॉक्स ऑन रोड कोलकाता। सिंगल चैनल ABS वेरिएंट टोटल तीन कलर के साथ आता है, रेड ब्लू एंड ग्रे कलर, और ड्यूल चैनल ABS वेरिएंट टोटल एक ही कलर के साथ आता है, वो है ब्लैक कलर। तो चलिए अभी इसका एक छोटा वॉकअराउंड कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट में यहाँ पे आपको ऑल LED हेडलाइट सेटअप दी गई है, बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और LED DRL के साथ बल्ब टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको दी गई है। नंबर प्लेट जो है ठीक यहाँ पे बाइक का नंबर प्लेट लग जाएगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, आगे पीछे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। ये जो है सिंगल चैनल ABS वेरिएंट है, तो फ्रंट में आपका सिर्फ ABS मिलेगा, और जो ड्यूल चैनल ABS वेरिएंट है उसका पीछे में भी ABS मिलेगा। इसमें आपको RLP सेंसर दी गई है। और फ्रंट टायर की अगर बात करें तो 100x80 सेक्शन का टायर मिलता है, 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे दी गई है। MRF नाइलो ग्रिप जैपर की तरफ से टायर मिलता है। मडगार्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। माइलेज की बात करें तो अप्रॉक्स 40 से 45 KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। ब्रांड न्यू 160cc का इंजन है, 164.82cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ 2-valve SOEC इंजन यहाँ पे दी गई है, जो 16 PS का पावर जनरेट करता है। 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इंजन काउल आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑयल कूलिंग सिस्टम जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 5-speed गियरबॉक्स है, 2 shifter यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड एंड मिडिल स्टैंड दोनों स्टैंड ही आपको देखने को मिल जाएगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दी गई है, क्रैश गार्ड भी आपको मिल जाता है। सीट वही आपको जेल सीट मिलता है जो बहुत ही कंफर्टेबल है, इसको लेके आप डेफिनेटली वीकेंड टूर वगैरह कर सकते हो। पिलियन भी जो है बहुत ही कंफर्टेबली इस बाइक में बैठ सकते हैं। N160 का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रहा होगा, ओपन साइड चेन सेटअप है, तो आप थोड़ा 500 to 600 किलोमीटर के बाद मेंटेन कर लेना, वॉश कर लेना। नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर दी गई है जो एडजस्टेबल है। पीछे आपको टायर हगर मिल जाता है, ऑल LED टेल लाइट दी गई है, बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ पीछे में भी आपको डिस्क मिलता है, बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म। पीछे में आपको 130x70 17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, MRF नाइलो ग्रिप जैपर के साथ। न्यू अंडरबेली एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी इसका डिटेल वॉकआउट ऑलरेडी चैनल पे है, आप आई बटन से जरूर चेकआउट कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू MT, सर्विस डिमांड, गियर पोजिशन इंडिकेटर, वो सब आपको इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे स्विच पैनल वगैरह जो है देख पा रहे हो, बैकलेट स्विच पैनल यहाँ पे डेफिनेटली दी गई है। इंजन किल स्विच मिलता है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न डिपर बटन, और क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। बाइक को चलाते हुए उसके बारे में मैं बात करूँगा। USB चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस बाइक का एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बाइक को। चलिए मिलते हैं एकदम GoPro सेटअप में इसका राइड रिव्यू के साथ। सो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ GoPro के सेटअप पे, और बाइक एकदम मेरे सामने है। 160cc तो इसको लग ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा मस्कुलर लुक्स है। मोटा मोटा टायर यहाँ पे दी गई है, और ओवरऑल लुक्स जो है, फिट एंड फिनिश जो है, टोटली टॉप नॉच है। तो बाइक को अभी स्टार्ट करते, इसका राइड रिव्यू जो है वो स्टार्ट करते। फर्स्ट टाइम मैं N160 चलाने जा रहा हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बाइक में क्या है, क्या फीचर्स वगैरह मिलता है, आपके प्राइस के साथ जस्टिफाई है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है, एकदम नाके बराबर। और फर्स्ट तो चलिए शुरू करते हैं।
112 लवली लवली लवली। तो गाइस इसका जो टॉप स्पीड वाला वीडियो है, ये टॉप स्पीड नहीं है, ये टॉप स्पीड नहीं है, टॉप स्पीड कुछ दूसरा ही है। टॉप स्पीड वाला वीडियो ऑलरेडी मैं शूट कर लिया हूँ, आई बटन में लिंक आ रहा है इसका टॉप स्पीड वाला वीडियो, आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके पहले इसका जो राइड रिव्यू है वो आप लोग पहले सुन लो, देख लो, उसके बाद इसका टॉप स्पीड वाला वीडियो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट पे बैठने के बाद ही आपको जो मेन चीज़ फील होगा वो है इस बाइक का कंफर्टनेस। सीट यहाँ पे जेल सीट दी गई है और बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन यहाँ पे दी गई है, लाइक गड्ढे वगैरह बम वगैरह कुछ फील नहीं हो रहा है। एंड इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको ब्रांड न्यू 164.82 सीसी का इंजन मिलता है, जो 212 इंजन के साथ आता है, ऑयल कूल इंजन है, V6 कंप्लाइंट, डेफिनेटली फ्यूल इंजेक्टेड, SOSC लेआउट है, 16 PS का पावर मिलता है। एंड बाइक चलाते हुए आपको फील होगा कि इसमें पावर है डेफिनेटली। ये गाड़ी का इनिशियल एंड मिड रेंज जो है बहुत ही तगड़ा है, टॉर्क भी आपको लाइक 160 सीसी वाइज ठीक ठाक टॉर्क मिल जाता है, 14.65 न्यूटन मीटर, मतलब 14.65 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है, जो आपको प्रॉपर फील होता है। बाइक जो है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ज़्यादा रिफाइन है, वाइब्रेशन एकदम टॉप एंड पे भी वाइब्रेशन फुट पे एंड टैंक पे फील नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको हैंडल बार में फील होगा। ऑब्वियसली सिंगल सिलेंडर बाइक है और ये जो है 160 सीसी इंजन है, तो वाइब्रेशन थोड़ा तो आपको लगेगा आप जब टॉप एंड पे जा रहे हो, लाइक आप जब 70-80 में इस बाइक को चला रहे हो तब इस बाइक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। और वाइब्रेशन जो बोल रहा हूँ फुट पे, इधर टैंक में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा एनोइंग रहता है, लेकिन इसमें जो है आपको ऐसा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। बाकी इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है, इसलिए बाइक में वाइब्रेशन बहुत कम है। टॉप स्पीड वाला वीडियो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो, इसका जो टॉप स्पीड है वो भी अच्छा खासा लाइक 160 सीसी वाइज मिल जाता है। उसके बाद इसका गियर बॉक्स की अगर बात करें तो गियर बॉक्स काफ़ी स्लीक है, मतलब आप जब गियर शिफ्ट कर रहे हो आपको एक क्लिक फील होगा। गियर बॉक्स जो है बहुत ही स्मूथ है। क्लच की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको स्लिपेनेसिस क्लच मिल रहा है, लेकिन इसमें स्लिपेनेसिस क्लच नहीं मिलता है। क्लच बहुत ही लाइट है, मतलब एक उंगली से इस क्लच को आप दबा सकते हो, इतना ज़्यादा लाइट क्लच है। और इसमें आपको पाँचों गियर मिलता है, जो नॉर्मल 160 सीसी में पांचों ही गियर मिलता है हर बाइक में। टैंक की अगर बात करें तो 14 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है, मेटल का टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल सकता है, और आपका पैर जो है प्रॉपर टैंक के साइड पर यहाँ पे ग्रिप मिल जाता है, मतलब प्रॉपर आपका जो थाई है ये टैंक के साइड पे आपको प्रॉपर ग्रिप मिल जाएगा। और पैर का जो पोजीशन है वो भी आपको एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरा जो राइडिंग पोस्चर है, सो मेरा राइडिंग पोस्चर कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पैर जो है एकदम मेरा कमर से थोड़ा ही आगे है पैर, मतलब ज़्यादा रियर साइड में इसका फुट पेग नहीं है, एकदम प्रॉपर आपको इस, मतलब इस बाइक को लेके आप सिटी राइड वीकेंड टूर डेफिनेटली कर पाओगे विथ पिलियन, क्योंकि पिलियन जो सीट है वो भी जेल सीट मिलता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मेरा हाइट है 5'8", तो मेरा पैर जो है दोनों साइड पे प्रॉपर जा रहा है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। और पीछे का सस्पेंशन जो है बहुत सॉफ्ट रखा गया है, और आपका हाइट अगर 5'5" भी है तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली चला पाएंगे। टो शिफ्टर यहाँ पे आपको दी गई है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत प्रीमियम लगता है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वो सब आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो कर देगा। ट्रिप वन ट्रिप टू में आपको कितना एवरेज मिल रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, सब कुछ यहाँ पे शो करता है। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिखा रहा है, आप देख सकते हो अभी गाड़ी जो है फोर्थ गियर पे है। बाकी ये जो है एकदम बेजललेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मतलब इस सेगमेंट में ऐसा प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको किसी भी बाइक में नहीं देखने को मिलेगा। और नाइट के टाइम पे यहाँ पे जो है आपको बैकलाइट स्विच पैनल भी दी गई है, तो नाइट के टाइम पे ये जो है अंदर से लाइट जलता है, LED,
और इसका जो लाइटिंग थ्रो है वो भी बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि इसमें आपको बाईफंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर मिलता है, बहुत ही सही है। मेरे दोस्त के पास F250 है, वो भी बोलता है सेम लाइटिंग सेटअप इसमें मिलता है, बहुत सही लाइटिंग सेटअप इसमें आपको दी गई है। ब्रेक सिस्टम की अगर बात करें तो ब्रेक सिस्टम काफ़ी तगड़ा है। जैसे अभी फ्रंट में ABS है, तो देखिए मतलब मैं ऐसे ब्रेक जो है प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी जो है तुरंत रुक रहा है। देखिए बहुत ही तगड़ा ब्रेक सिस्टम यहाँ पे आपको दी गई है। फ्रंट में आपको ABS मिलता है और रियर में RLP सेंसर मिलता है, ये सिंगल चैनल ABS वेरिएंट में। और जो ड्यूल चैनल ABS वेरिएंट है उसमें आपको पीछे में भी ABS मिल जाता है। एक बार रियर ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं, तो रियर ब्रेक सिर्फ दबा रहे हैं, हाँ स्किट हो रहा है, और रियर ब्रेक भी बहुत ही सही है। आपको अगर सिंगल चैनल ABS भी आप अगर ले लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही ब्रेक है। और एक बार दोनों ब्रेक को एक साथ मार के देख लेते हैं, ओहो हो तगड़ा स्टॉपिंग पावर है। और इसका जो ड्यूल चैनल ABS वेरिएंट है उसका ब्रेक सिस्टम इससे और भी तगड़ा है, क्योंकि उसमें आपको 300 mm का डिस्क मिलता है, वो भी ग्रेमिका कैलिपर के साथ। आई गेस इसमें आपको इंड्योरेंस का कैलिपर मिलता है, क्योंकि बजाज का जो कैलिपर है उसमें तो कोई भी ब्रांडिंग नहीं रहता है, तो आई गेस इंड्योरेंस का कैलिपर इसमें दी गई है। मिरर वो भी एकदम प्रॉपर आपको व्यू मिल जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मिरर भी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और ये मिरर जो है थोड़ा लूज़ है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बाकी एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिलता है, मतलब आपका चलते हुए बाइक पर, मतलब अभी जैसे बाइक चल रहा है, मैं क्लच दबा के अगर साइज 10 गिरा देता हूँ तो बाइक जो है वो बंद हो चुका है। आप सुन पा रहे हो, बाइक जो है वो टोटली बंद हो चुका है। साइड स्टैंड मैं उठा देता हूँ, मिडिल स्टैंड भी इसमें मिल जाता है, तो आप चेन वगैरह जो है आराम से लूप कर सकते हो मिडिल स्टैंड पे रख के। और सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो आपको इसमें ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है, सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, आपको मर्जी है, आप जो वेरियंट लेना चाह रहे हो आप ले सकते हो। बाकी ओवरऑल इस बाइक का जो फिट एंड फिनिश है वो एकदम ही सिमिलर F250 एंड N250 जैसा है, मतलब सेम फ्रेम के ऊपर सेम डिज़ाइन के ऊपर आपको एक 160cc इंजन देखने को मिल रहा है, जो इस सेगमेंट में कोई भी बाइक, मतलब कोई भी कंपनी आपको तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन बजाज जो है इसमें आपको प्रोवाइड कर रहा है। USB चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है इसमें आपको मिल जाता है, तो आप गाड़ी चलाते हुए आप फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हो। बाकी फिट एंड फिनिश एकदम टॉप नॉच है, पल्सर का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई भी इधर उधर मतलब ज़्यादा गैप कम गैप इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है, जो बहुत ही सही आपको सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे दी गई है। और टायर की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको मैसिव 100x80 का आपको 17 इंचेस का एलो व्हील के साथ ये टायर मिलता है, हमारे नाइलो ग्रिप जैपर का टायर दी गई है, जो कॉर्नरिंग वगैरह करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। पीछे में भी आपको मैसिव 130x70 का टायर मिलता है 17 इंचेस का एलो व्हील के साथ, दोनों ही ट्यूबलेस टायर है, तो पीछे का जो टायर है वो भी काफ़ी मोटा है, काफ़ी चौड़ा है, लाइक 160cc वाइज काफ़ी सही टायर यहाँ पर आपको दी गई है। सही आपको एग्जॉस्ट भी मिलता है, अंडर वेली एग्जॉस्ट दी गई है, जिसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही सही है, बहुत ही सही एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे आपको सुनने को मिल जाएगा। बाकी इंजन तो कोई भी हीटिंग इशू मेरे को तो अभी तक फील नहीं हो रहा है, मैं लगभग 20 किलोमीटर के आसपास बाइक जो है चला लिया हूँ, कोई भी मेरे को हीटिंग इशू तो एज सच कुछ फील नहीं हो रहा है। और इस बाइक के एक बार लुक्स के बारे में अगर बात करें तो मैं एक बार बाइक रोक के आपको इसका लुक्स दिखा देता हूँ। सो बाइक जो है यहाँ पर रोकते हैं, और इंजन किल स्विच भी मिल जाता है, जो बहुत ही काम का चीज़ है। और लुक्स कुछ ऐसा दिखता है, सामने से आपका इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ सामने से कैसा लुक आता है। सो साइज 10 का गिरा रहेगा तो यहाँ पे साइज 10 गिरा है वो भी शो करेगा, और सामने से हेडलाइट का थ्रो कुछ ऐसा दिखता है, और हेडलाइट जो है वो भी बहुत सही है, बहुत ब्राइट यहाँ पे LED हेडलाइट सेटअप दी गई है LED DRL के साथ। ये जो है अभी लो बीम ऑन है, और इसका जो हाई बीम है ये आप देख सकते हो, इसका हाई बीम ऑन है, बहुत ही सही है। न्यू टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बल्ब टर्न इंडिकेटर के साथ, और रियर पोर्शन जो है वो भी आपको LED टेल लाइट के साथ देखने को मिलता है, बहुत ही सही है। पीछे से लुक कुछ ऐसा दिखता है, और साइड से लुक कुछ ऐसा दिखता है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको और एक बार सुना देता हूँ, वाइब्रेशन
बहुत ही कम है, एकदम ना के बराबर। अभी फिलहाल के लिए इग्निशन को करते हैं बंद। सो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस बाइक को जिनको खरीदना है वो अगर वेस्ट बंगाल पे रहते हैं तो डेफिनेटली रोल्टा बजाज कोलकाता में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी गाइस बोलिए आपको ये पल्सर N160 कैसा लगा, आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट करके बताना। इस बाइक का परफॉर्मेंस वगैरह जो है टोटली टॉप नॉच है एंड वैल्यू फॉर मनी है। तो मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।